प्रॉब्लम लेकर आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए है, वाइटल प्रॉब्लम जो है वहाँ पे मतलब कोर्ट के ऑर्डर पर भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या मतलब मैसेज देना चाहते हैं? हमने यहाँ से एक देशव्यापी अभियान की शुरुआत करी है जिसका नाम रखा है जैन जन की बाती पीएम को पाती, जिसमें हम संपूर्ण भारतवर्ष के विश्व भर के जैन समाज से और सभी समाज से ये आह्वान करते हैं कि ये जो हमारा प्रारूप है इसमें अपना नाम भरकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तक को भेजें ताकि उनको यथास्थिति से अवगत हो सके। और हमने इसमें मांग करी है कि जैन धर्मावलंबियों को गुजरात के जूनागढ़ जिले में गिरनार पर्वत पर जो हमारे जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली है वहां पर सुरक्षित दर्शन पूजन वंदन का अधिकार मिले। आप लोगों ने कोई पत्र भी लिखा है पीएम को? हाँ, अभी पिछले दिनों तो लगातार जगह जगह पूरे देश भर के कोने कोने से प्रदर्शन हुए, ज्ञापन सौंपे गए, हम सभी ने जो है उस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी तक ज्ञापन के माध्यम से मांग कर रहे हैं। इसके लिए कब से मांग कर रहे हैं? देखिये, मांग तो हमारी 2005 से चल रही है, जब 2002 से 4 के बीच में वहां पर अतिक्रमण अवैध रूप से कर लिया गया, तो उसके बाद लगातार ये मांग चल रही है। और 17 फरवरी 2005 को हाईकोर्ट के आदेश भी हैं, उनका भी अभी तक अनुपालन नहीं कराया गया। और वर्तमान में अभी जब प्रकरण जब गरमाया, जब अक्टूबर 2023 में वहां पर गए यात्रियों के साथ अभद्रता की गई, उन पर तलवार चिमटे से जानलेवा हमले का प्रयास किया गया, उसके बाद पूर्व सांसद महेश गिरी जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पूर्वी दिल्ली से सांसद रहे, उन्होंने जिस तरह के खुले आम अति अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी करी, तो उसके बाद से ही पूरे देश भर में इस बारे में जो है माहौल गरमा गया। सर, सवाल यही है कि अगर पिछली बार भी आपने बहुत सारे आंदोलन किए थे, विरोध प्रदर्शन किए थे, अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा देश भर में एक जैसे हमारा समय शिखर का आंदोलन हुआ था, इसी तरह से गिरनार के लिए भी पूरे देश भर में विश्व भर में आंदोलन चलाया जाएगा। छोटा सवाल, देश का सबसे बड़ा चुनाव चल रहा है, चुनाव में आपने आप मुद्दा उठाया है, क्या लगता है बात नहीं सुनी गई तो क्या लगता है चुनाव में प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल, मैं हमारी ये एक निरंतर प्रक्रिया जो हम आवेदन करते आ रहे हैं, गुहार लगाते आ रहे हैं। और देखिए, ये मुद्दा बनाना या ना बनाना ये सरकार के हाथ में है, अगर सरकार जायज मांगों को मान लेती है तो निश्चित रूप से किसी को मुद्दा नहीं मिलता, पर अगर वो नहीं मानती तो हमारा जो नारा है जो हमारे साथ है हम उनके साथ। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके इंपैक्ट तो होगी, बिल्कुल होंगे। नाम बताइए। सर, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपने, क्या कुछ मुद्दा है और क्या कुछ मांग है? देखिए, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले बता दिया गया है कि जूनागढ़ स्थित गिरनार क्षेत्र जो हमारा नेमिनाथ भगवान का पवित्र मोक्ष कल्याण क्षेत्र है, वहां से हमारे 22वें तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, वहां पर सदियों से अनादि काल से वहाँ पर हम जैन लोग पूजा अर्चना करते आए हैं। कुछ समय से अजैन लोग, जैसा कि तथाकथित आपके को हमने अपना ज्ञापन भी सौंपा है, उसमें बताया गया है कि वह उस क्षेत्र को अतिक्रमण द्वारा अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और जैनियों से उस क्षेत्र को पूजा अर्चना से वंचित रखना चाहते हैं, जो कि जैन धर्म के अनुयायियों को किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। यह जो हमारा तीर्थ क्षेत्र है, अगर हमें कानून, जबकि हाई कोर्ट ने 2005 में इसके लिए आदेश भी पारित किए हैं कि जब तक इसका अंतरिम आदेश नहीं आ जाता इस स्थान को यथावत रखा जाए, इसमें दोनों धर्मावलंबियों को पूजा अर्चना की स्वीकृति अनुमति प्राप्त है, लेकिन जैसा कि अन्य धर्म के लोग हैं वह जैनियों को इस पूजा अर्चना और इस अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं, जो कि जैन धर्म को स्वीकार्य नहीं है। अगर जल्दी ही सरकार इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो यह आंदोलन, यह जो हमारा अभियान है, धीरे धीरे नाराजगी, विरोध और फिर आंदोलन में बदलेगा। महेश गिरी का जो स्टेटमेंट था वो इनएक्टिव है, बिल्कुल। वो आपके जो हमने आपको पत्र दिए हैं उसके अंदर यूट्यूब लिंक में, उसमें सारे जो उनके बयान है वो उसमें संकलन है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कुछ बताया है, उस चीज के लेकर आप जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी दिया गया है जी, जी। उसके ऊपर आपने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया, मुद्दा जो इश्यू जो है इट इज वेरी हॉट, हाउ डू यू टैकलिंग दिस थिंग? देखिए, 13 जुलाई को इस बार भगवान नेमिनाथ का मोक्ष कल्याणक पर्व मनाया जाएगा और हम लोग जैन समाज के बहुत अच्छी बड़ी तादाद में इस बार निहत्ते गिरनार पर्वत के लिए कूच करेंगे
और अब देखते हैं वहाँ स्थानीय प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी है कैसे उन सभी जैन धर्मावलंबियों को वो सुरक्षित दर्शन पूजन वहाँ करवाए हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए। ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन को पता है जी। अब हम जैसे ये पत्र तो प्रधानमंत्री के लिए हम लिख रहे हैं, साथ ही साथ हम वहाँ के स्थानीय प्रशासन को और शासन को भी पत्र के द्वारा और ट्विटर के माध्यम से भी जानकारी पूरी करा देंगे। आगे कोई मतलब हिंसक घटना वहाँ कोई इस प्रकार की अप्रिय घटना हो जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा हो, 2024 तक जब मतलब कोई फैसला नहीं हुआ है जी, आगे भी आपने फैसला के लिए बैठेंगे ना कोई और कुछ काम? नहीं नहीं बिल्कुल, हम फैसले के लिए बैठेंगे और पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है, और यदि किसी प्रकार से शासन प्रशासन हमारा सहयोग नहीं करता है तो जैसे हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने बताया, हम पूर्ण तरीके से एक बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जो कुछ भी बताया उसमें क्या लगता है कि जो सरकार इस चीज के ऊपर काम करेगा? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, सभी का देश है, लोकतांत्रिक देश है, और अल्पसंख्यक समाज की बात सरकार को सुनना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री से भी निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन कि गुजरात हाईकोर्ट ने जो आदेश पारित किए थे उस पर वो कार्रवाई करें और जैनियों को बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से दर्शन और पूजन का अधिकार दें। तो 2005 से लेकर 2024 तक तो फैसला नहीं हुआ, तो अभी पत्र लिखने से कि फैसला हो जाएगी? देखिए, ऐसा नहीं है, कभी कभी चीज़ें आपके सोचने के अनुसार नहीं होती हैं ना हमारे सोचने के अनुसार होती है। सरकार की प्रक्रिया है, और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से राम मंदिर के निर्माण में जैन धर्मावलंबियों ने पूरा खुल के सहयोग किया, उसी प्रकार से सभी धर्मावलंबियों को जैन धर्म का साथ देना चाहिए और उनका जो एक उचित मांग है निर्माण लाड़ू चढ़ाने की उस पर बहुत पुराना धर्म है जैन धर्म जी, अनादिकाल से नहीं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी भी धर्म के साथ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बौद्ध हो, पारसी हो, सिख हो। देखिए, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक एक ऐसा संबंध है, बहुसंख्यक एक परिवार का मुखिया है और अल्पसंख्यक उसकी शाखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी धर्म को दबा लें। हमें हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, और जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही सब लोग करते हैं, और जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं वो उन्होंने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना ली है तो उसे पूरे धर्म के नाम पर नहीं हम उसको बदनाम कर सकते, लेकिन हमारा निवेदन यही है कि उनको भी समझ में आना चाहिए, एक शांतिपूर्वक शांतिप्रिय समाज आपसे यदि निवेदन कर रहा है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।